हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की थी, जिसके हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम देने, इट मीन्स सभी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कहता है इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। ये चार वर्टेक्स देती है पैरेललोग्राम के। ऑर्डर का मतलब होता है इनको लगातार लेना है हमें, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फाइंड एक्स एंड वाई, इसके अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई निकालना है। तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स लेने हैं तो देखो किस तरह से करोगे। यहाँ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम। तो गिवन वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है आपके ए, बी, सी, डी, जो भी आपको ये चार वर्टेक्स दे रखे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से एक पैरेललोग्राम में लें, क्योंकि इसने कहा है कि आपको एक ऑर्डर में लेना है, तो ए, बी, सी, डी ये चार हो गए। अब पैरेललोग्राम में जो हमने ए लिया, ये 1, 2 है, बी है 4, y, सी है x, 6 और डी है आपका 3, 5, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है आप लोगों को। तो पैरेललोग्राम में देखो किस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, 2 equal parts में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ए सी का मिड पॉइंट है वही बी और डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा, बी डी का मिड पॉइंट। मतलब ए सी और बी डी का जो ओ है वो क्या होगा, कॉमन मिड पॉइंट होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो हम यहाँ मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। किसका यूज़ करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है ए सी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2 and y1 + y2 / 2, यही होते हैं मिड पॉइंट्स के। तो इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, ओ के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, x1 + x2, मतलब 1 + x / 2, 1 + x / 2। दूसरा 2 + 6/2, तो क्या आ गया ये 1 + x / 2, और दूसरा आ गया 6 + 2 = 8, तो क्या लिख सकते हो इसको, 8/2 लिख लो या 4/4 लिख लो सिर्फ, ठीक है। उसी तरह से अब निकाल लेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लोगे, उसका भी सेम फॉर्मूला है। तो बी डी के मिड पॉइंट क्या निकलेंगे यहाँ पे, बी डी के देखो ध्यान से, 4 + 3/2, 4 + 3/2, y + 5/2। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 3 = 7/2 और ये y + 5/2। क्लियर है, हो गया यहाँ तक सबका। तो अब देखो हमने क्या, हमें क्या पता है कि जो O के कोऑर्डिनेट है वो ये भी हैं और ये भी हैं, दोनों ही O के कोऑर्डिनेट हैं। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। देखो इसके और इसके कोऑर्डिनेट सेम है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो दे हैव ए कॉमन मिड पॉइंट। उनका क्या होता है, कॉमन मिड पॉइंट, इज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, जो ओ के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इसके कॉमन पॉइंट है। तो क्या करोगे, इन दोनों को आपस में क्या रख दोगे, इक्वल रख दोगे, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल एक्स कोऑर्डिनेट रख दोगे, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल वाई कोऑर्डिनेट। सो 1 + x / 2 इक्वल टू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 7/2 एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट है 8/2 इक्वल टू, इसका वाई कोऑर्डिनेट है y + 5/2, ठीक है। कर दो सॉल्व,
टू से टू जाएगा, दोनों इक्वलिटी बाई में है, तो वन प्लस एक्स इक्वल टू सेवन, तो एक्स इक्वल टू सेवन माइनस वन इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू आ गया सिक्स। उसी तरह से यहाँ टू से टू गया, एट इक्वल टू वाई प्लस फाइव, फाइव इधर आके वाई माइनस होगा, तो वाई इक्वल टू एट में से फाइव गए थ्री, तो वाई इक्वल टू थ्री। तो एक्स और वाई की आपकी वैल्यूज कर लेंगे सभी। तो ये था हमारा सिक्स क्वेश्चन, ठीक है। आगे सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए। हमें एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जहाँ पर ए बी क्या है, एक सर्कल का डायमीटर। हुज सेंटर इज, ये उसका सेंटर है, एंड बी पॉइंट इज वन फोर। अब देखो कैसे है ये चीज़, थोड़ी सी समझने की है। अगर हम सर्कल देखें, ये होगा हमारा सर्कल, ठीक है, ये होगा सेंटर, ये हो गया डायमीटर। इसने क्या कहा है, स्टेटमेंट को साथ के साथ समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर ए बी इज अ डायमीटर, तो हमने क्या रख लिया, ए बी को डायमीटर रख लिया, ए बी को डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, जिसका कि जो सेंटर है ओ पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, टू माइनस थ्री दे रखे हैं। एंड बी इज, और बी पॉइंट कितना दे रखा है, वन फोर। हमें ए निकालना है, इस ए को ले लिया मैंने एक्स वाई, ठीक है, हमें एक्स वाई निकालना है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ए बी उसका डायमीटर है, तो जो ए ओ है वो रेडियस हो गई, और हमें पता है जो सेंटर पॉइंट होता है वो डायमीटर के कहाँ होता है, बिल्कुल बीच में। मतलब ओ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। क्या लिखोगे, सिंस ए बी इज डायमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। इसलिए जब हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाय में टू कोमा वाई प्लस फोर बाय में टू इक्वल टू किसके जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट टू और वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री के इक्वल चला जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख के सॉल्व, x की वैल्यू निकाल लोगे, y कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख के y की वैल्यू निकाल लोगे, x और y आ जाएंगे। कर सकते हैं, बहुत सी आसान चीज़ है, बस आपके कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है आपका, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ है। इफ़ a एंड b आर माइनस टू माइनस टू एंड टू कोमा माइनस फोर रिस्पेक्टिवली, दो पॉइंट दे दिए a और b, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। हमें एक पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सच दैट ए पी इक्वल टू थ्री बाई सेवन ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी।